हे एवरीवन, कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज मेरे रस प्रीफर स्पोर्ट रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं कुछ टूर्नामेंट रिजल्ट के बारे में। तो आज का पहला रिजल्ट है NXT टूर्नामेंट का और इसके डे 5 के ए और बी सी ग्रुप ए और सी ग्रुप को मिला के टेबल टॉप किया। बिग ब्रदर्स ने 114 स्कोर के साथ, सेकंड ओरेंगेटन 83 स्कोर के साथ और थर्ड है पैटर्न प्लेस 80 स्कोर के साथ। नेक्स्ट रिजल्ट है रॉकी एंड आरडीएक्स की तरफ से। तो स्पोर्ट सेमीफाइनल के ग्रुप बी में टेबल टॉप किया। रॉली की स्पोर्ट ने 92 स्कोर के साथ, सेकंड है पैटर्न प्लेस 89 स्कोर के साथ और थर्ड है TWOB 71 स्कोर। और बाकी टीम से स्कोर देखना चाहते हो तो पॉज करके देख सकते हो। अब बात करते आज के अपडेट्स के बारे में। तो आज का पहला अपडेट है द माफिया की तरफ से। तो द माफिया क्या फिर से टोटल गेमिंग में ज्वाइन करेंगे? टोटल गेमिंग ने अपने लाइव स्ट्रीम में बोला अभी तक कोई भी गारंटी नहीं है कि द माफिया को अपनी टीम में मतलब टोटल गेमिंग में फिर से लेंगे या नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो भी लिखा है मैं तुम लोग को शॉर्ट में समझा देता हूँ। जो भी और रिलेटेड अपडेट होगा वो फौजी भाई देंगे, मतलब टोटल गेमिंग में ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल फौजी भाई ने क्लियर कर दिया कि फौजी भाई अभी टोटल गेमिंग में नहीं जाने वाले, क्योंकि अभी फौजी भाई मतलब द माफियाज हॉग ऑर्ग में है। तो अभी तो फिलहाल कोई भी चांस नहीं है टोटल गेमिंग में जाने का। नेक्स्ट अपडेट एनजी स्पोर्ट की तरफ से। तो एनजी स्पोर्ट लखनऊ जायंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट टोटल गेमिंग की तरफ से। तो टोटल गेमिंग और विलेजर स्पोर्ट का एक कोलाब्रेशन हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट है इंटरनेशनल अपडेट। तो स्क्रीन पे जो टीम दिखाई दे रहा है वो है अर्जेंटीना की टीम और ये पहली टीम है जिसने FFWS के लिए क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट अपडेट आइकॉनिक की तरफ से। तो आइकॉनिक और किलर ने क्लियरली मेंशन कर दिया अभी कौन कौन से प्लेयर उनकी टीम में होने वाले हैं, मतलब होने वाले नहीं करंटली है टीम में, उज्जवल, शिनू और रोशन। नेक्स्ट अपडेट वाइपर की तरफ से। तो वाइपर अभी हरिद्वार में है। तो तुम लोगों को तो मैंने बहुत पहले ही बता दिया कि वाइपर अभी घूम रहे हैं, तो मैंने तो पहले अपने एक वीडियो में बता दिया था, तो मुझे याद आएगा तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे थंबनेल डाल दूंगा। नेक्स्ट अपडेट औराबाई की तरफ से। तो औराबाई के कैमरा, इंटरनेट, पीसी सभी चीज़ में कुछ खराबी आ गई थी तो कल वीडियो आने से पहले, तो इसीलिए कल का वीडियो औराबाई का थोड़ा सा लेट से आया, 1-2 घंटा शायद लेट से। आई होप कि जो भी प्रॉब्लम आई हो वो जल्दी से जल्दी फिक्स हो जाए और हमें डेली वीडियोज देखने को मिले औराबाई की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट वासियों की तरफ से। तो वासी भाई ने बोला कि अभी जो करंटली टीम चल रहा है वासी भाई का वही FFYC के लिए भी टीम होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट फोरन की तरफ से। और फोरन का भी करंट लाइनअप ये है, तुम लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे तो मुझे सारे प्लेयर्स पुराने दिखाई दे रहे हैं लेकिन राधे ठाकुर दिखाई नहीं दे रहे। मैंने सुना भी था शायद कि राधे ठाकुर अभी कम बैक नहीं करने वाले, देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से तो गाइस राधे ठाकुर को कम बैक करना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है हेड्स प्ले की तरफ से। तो हेड्स प्ले ने बताया कि ओजी को कौन से डिवाइस दिया जाएगा टूर्नामेंट खेलने के लिए। क्या बोला था? डिवाइस, ठीक है। कमिंग टू डिवाइस अभी पारी कुछ तो सजेस्ट किया था, एसुस रॉक 7 अल्टीमेट या कोई तो एंड्रॉइड, मतलब मेरे को पता नहीं अभी एंड्रॉइड क्यों प्रेफर कर रहे लोग, बिकॉज अपने पास आईफोन तो है एंड मोस्ट प्रोबेबली इनको अभी क्या सितंबर है ना, मोस्ट प्रोबेबली इनको हो सके तो आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मैं बॉस से बात करना पड़ेगा, 15 ही दिला सकते हैं इनको, बट या इनके ऊपर अगर इनको 15 चाहिए या एसुस। और टाइम भी देखो भाई कैसे टाइम पे रिलीज हुआ गेम, सितंबर आया, सितंबर में रिलीज हुआ एंड सितंबर में 15, इतना खर्चा आएगा ना अभी सब और को। हाँ रेड मैजिक का देखो, रॉक 7 हम लोग सब कल ही डिसाइड कर रहे हैं, अगर रॉक 7 चाहिए ना मेरे को दुबई से लाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे इंडिया में बहुत कम स्टॉक है। लास्ट टाइम गॉडेल के लिए मैं लाया था, जब कहाँ से, सिंगापुर से, नहीं कौन, कोई तो लाया था गॉडेल के लिए, हाँ एंड वहाँ पे सिंगापुर में था एंड या इस बार भी मेरे को बाहर से लाना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट ओजी के शेड्यूल के बारे में। तो हेड्स प्ले भाई ने ओजी के शेड्यूल के बारे में बात किया, तो हेड्स भाई ने क्या कहा मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। ये है कि दे वांट शेड्यूल, रोज का शेड्यूल, बिकॉज अब अपना बंदे लोग खेलते हैं टूर्नामेंट्स वगैरह सब, बट इनको मालूम नहीं होता कौन से टाइम पे क्या होता है, तो इनको चाहिए अभी शेड्यूल। शेड्यूल आएगा थोड़े टाइम के बाद, अभी तो फिलहाल नहीं बता सकते, फिलहाल ग्राइंड चालू है, थोड़े बहुत पेड स्क्रीम चालू है, एक दो हफ्ते के बाद एकदम प्रॉपर आ जाएगा सबके पास। मतलब हम लोग पता क्या कर सकते हैं, हाँ देखो ओरांगुटन एलिट पे है ना, वहाँ पे हम लोग शेड्यूल डाल सकते हैं। तो अभी के टाइम पे ओजीपी जो न्यू प्लेयर्स को लिया गया उसके ऊपर भी हेड्स प्ले ने रिएक्ट किया, तो हेड्स प्ले ने क्या कहा मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। गेम आने दो, गेम आने के बाद आपको सबको मिल जाएगा क्या प्रॉपर शेड्यूल है ऑल द स्टफ। डोंट यू थिंक टेकिंग अनएक्सपीरियंस प्लेयर्स लाइक आमिन फरहान इज अ रिस्क, ठीक है, कमिंग टू दिस, टेकिंग अनएक्सपीरियंस प्लेयर इज अ रिस्क, अग्री करता हूँ मैं, ठीक है, बट वी नीड रॉ फायर पावर एंड रॉ टैलेंट भी चाहिए एंड बंदे यार अभी बताओ, पार्टी भी तो एक टाइम पे अनएक्सपीरियंस ही था, जॉन्डी भाई भी अनएक्सपीरियंस ही था, खेल के एक्सपीरियंस आता है ना, एंड ऐसा नहीं कि अपना पूरा रोस्टर अनएक्सपीरियंस रोस्टर है, तो पहाड़ी है, जय है, मोंग है, कभी अगर उनको कुछ ऐसा डाउन होता है टूर्नामेंट के बीच में, जॉन्डी भाई है, उनको यू नो बेटर फील कराएंगे एंड
आई एम प्रीटी श्योर तीन चार बंदे के बीच में, तीन चार एक्सपीरियंस बंदे के बीच में एक अनएक्सपीरियंस बंदा आएगा ना, कोई भी जॉब में हो या गेमिंग में हो, कोई भी जॉब में हो, वो बंदा जल्दी सीख जाता है. एंड आई थिंक इट्स अ यू नो लॉन्ग रन के लिए अपने लिए अच्छा है फरहान एंड अमीन को हम लोग को ट्रेन करने के लिए, बिकॉज दे कैन बी वेरी गुड प्लेयर्स इन द फ्यूचर. अगर वो लोग मे बी उतना कैलिबर नहीं है, अगर वो पुल ऑफ नहीं करे दो तीन बार, तो दिख जाएगा तुम लोग को रिप्लेस हो जाएंगे वो. नेक्स्ट अपडेट है बांग्लादेश की तरफ से. तो बांग्लादेश में एक बहुत ज़्यादा फनी सीन हो गया. तो बांग्लादेश की एक स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रिनोट दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का ट्रॉफी और प्राइस पूल उठा के, तो तुम लोग को मैं क्लिप भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लिप देख लो. और गाइस इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है, मतलब कौन सा टूर्नामेंट है, कौन सा गेम है. तो लीथल स्पोर्ट ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया, तो इसलिए मैंने भी तुम लोगों को दिखा दिया. इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट मिलेगा तो मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा. तो आज का अपडेट बस इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो में. बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया.